राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं जाने माने कवि, अनुवादक, ब्रॉडकास्टर और नाटककार नीलाभ। नीलाभ बहुमुखी प्रतिभा के धनी नीलाभ जाने माने कवि और अनुवादक हैं। मुंबई में जन्मे नीलाभ की पढ़ाई इलाहाबाद में हुई। बीबीसी लंदन की हिंदी सेवा में काम करते हुए उन्होंने ऐसी कई लोकप्रिय कार्यक्रम श्रृंखलाएं प्रसारित की जिनकी स्मृतियां आज भी ताजा हैं। मशहूर लेखक उपेंद्रनाथ अश के पुत्र नीलाभ ने प्रकाशन, लेखन, प्रसारण और कार्यक्रम निर्माण का काम सहजता से किया है। लिखने का शौक नीलाभ को भले ही अपने पारिवारिक परिवेश से मिला हो, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। नीलाभ के प्रमुख काव्य संग्रह हैं संस्मरणारंभ, जंगल खामोश है, उत्तराधिकार, शब्दों से नाता अटूट है, खतरा अगले मोड़ की उस तरफ है, ईश्वर को मोक्ष और जहां मैं सांस ले रहा हूं अभी। अनेक गद्य संकलनों में उनकी किताब ज्ञानरंजन के बहाने पाठकों ने खूब सराही है। अनेक नाटकों का रूपांतरण करने के अलावा नीलाभ ने कई महत्वपूर्ण किताबों के अनुवाद भी किए हैं। मौलिक लेखन में उनकी दृष्टि से आम जीवन कभी ओझल नहीं हुआ। अपने समकालीनों में कभी अकेले भी पढ़ जाने वाले नीलाभ अपनी ऊर्जावान उपस्थिति से युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। साहित्यिक हलचलों के बीच लगातार आवाजाही उन्हें न सिर्फ रचनात्मक दशा और दिशा का पता देती है, बल्कि खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार भी करती है। बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में नीलाभ जी। आपका भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मुझे बताइए कि ये तो हम सभी जानते हैं कि आपके पिता एक बड़े लेखक थे और इलाहाबाद जो कि उस जमाने में हिंदी रचनाकारों का और बहुत ही क्रिएटिव हलचलों से भरा शहर था, जब आपने आंखें खोली तो क्या माहौल था? कुछ एनेक्डोट्स के जरिए हमें बताइए, और उस माहौल का और आपके घर के माहौल का आपके ऊपर कोई नकारात्मक सकारात्मक क्या असर पड़ा होगा? क्योंकि ये भी माना जाता है कि एक बड़े लेखक का पुत्र होने से आप कई बार अपनी पर्सनालिटी असर्ट नहीं कर पाते। हाँ, ये कहा तो जाता है और ये कई बार मुझसे कहा भी गया और पूछा भी गया। कई लोग तो उसकी उपमा बरगद से देते हैं, लेकिन मैं उसको एक कारीगर मानता हूँ। एक कारीगर है, वो अपने बेटे को क्या दे सकता है? अपनी कारीगरी। भाई, आप संगीत के घराने देखते हैं, आप एक कुम्हार को देखते हैं जो अपने बेटे को कुम्हारी सिखाता है, तो एक लेखक अपने बेटे को क्या दे सकता है? अगर बेटा लेना चाहे तो मैंने लेना चाहा, उन्होंने मुझे शब्द दिए। पिता थे, फिर दोस्त बने, फिर सहकर्मी बने, फिर रकीब बने, क्योंकि जब आप साथ लिखने लगते हैं तो फिर बड़ी कश्मकश भी होती है, और गुरु भी थे, और बहुत ही कई पहलुओं से मैंने उनको जाना समझा और उनके साथ निभाया। माहौल हमारे घर का साहित्यिक था, क्योंकि वो जैसा कि दुनिया ही जानती है बहुत ही लड़ाकू, बहुत ही अग्रेसिव और अपने ढंग के इंसान थे, या कहूँ लेखक थे। उनके लिए साहित्यकार उपेंद्रनाथ अश्क, मतलब वो साहित्यकार कोई उपाधि नहीं, वो उनके नाम का एक हिस्सा था। अब लोग चाहते थे कि खुरच के मिटा दें, लेकिन वो बहुत कामयाब नहीं होते थे और ये उनको होने नहीं देते थे, तो लेखकों का आना जाना तो बहुत था। अब एनेक्डोट्स पर तो जैसे कि एक मैं तो बहुत छोटा था तब, तो ज़रूर कुछ चुहलबाजी ये सब भी रहती होगी, लेकिन कोई बहुत नकारात्मक असर ऐसा नहीं था, क्योंकि उस ज़माने में जो बड़े लोग आते थे उनसे मिलने जुलने, उनकी बातें सुनने का मौका तो मिलता था, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम लेखक ही बनो। वो तो बहुत आगे चलकर, बल्कि कहा तो यही कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है, तुमको और कुछ काम करना हो तो करो, लेकिन आगे चलकर मुझे लगा कि हाँ, ये मेरी भी रुझान इधर ही है, तो मैं उस तरफ हो गया। अब उसमें कई तरह के इंसिडेंट्स हैं। मैं शायद 15-16 का था, तो एक दिन मैंने ऐसे देखा, उनकी एक बहुत छोटी सी स्टडी थी, वहाँ से सामने का बंगले का पूरा हिस्सा दिखता था, दरवाजे से, गेट से जो रास्ता आता था जी। तो एक युवक बैठा हुआ है और उसने एक चप्पल और पतलून और एक बुशर्ट, उस जमाने में विंग्स की बड़ी चलती थी रेडीमेड, वो पहन रखी है। तो मैं दाखिल हुआ तो पापा जी ने कहा बहुत अच्छा किया तुम आ गए, ये राजकमल चौधरी हैं, इनको भाई ले जाओ जरा नरेश मेहता के यहाँ।
अच्छा, अब वो क्या होता था कि जब अगर वो बिजी होते थे तो वो लोगों को इसी तरह से आगे पीछे ठेल देते थे, तो मैं साहब उनके साथ चला, तो वो नरेश मेहता तो मिले नहीं। इस पर उन्होंने जो सांस लंबी ली तो उससे मुझे लगा कि राजकमल चौधरी बड़े इत्मीनान में आ गए। तो मैंने कहा कि अब बताइए, तो बोले भाई चलो, तुमको मेरे तुम मेरे मुझे तुम्हारे हवाले किया है तो जहाँ चाहो ले चलो। मैंने कहा कॉफ़ी हाउस चलेंगे? बोलेंगे ज़रूर चलेंगे। मैंने कहा कैसे? तो बोले जैसे कहो। तो हमने कहा चलिए पैदल ही चलते हैं टहलते हुए। तो लूकरगंज से हम लोग पैदल चले। हमने कहा आपने घड़ी पहन रखी है? तो उन्होंने कहा कि मैं समय से नहीं बनता। तो एक इस तरह के छोटे छोटे, या जैसे राजेंद्र यादव आते थे तो बहुत बहुत ही नज़दीकी थी। राजेंद्र यादव बहुत ही डेमोक्रेटिक आदमी है, घुन्ने हैं लेकिन बहुत डेमोक्रेटिक। तो उस ज़माने में मैं थोड़ा कसरत वसरत करता था, तो उन्होंने कहा आओ जरा सा देखें। तो वो पंजा लड़ाना, अब उस खाली पूरी जमात तो साहित्य के बारे में चर्चा कर रही है, और ये एक अंकल और उनका ये एक दोस्त का बेटा जो है वो पंजा लड़ा रहे हैं। तो इस तरह का बड़ा हुआ। फिर धीरे धीरे लिखने लगे तो फिर लोगों ने बराबरी से लेना शुरू कर दिया। फिर वो अंकल और वाला मामला नहीं रहा, फिर तो वो बराबर का एक मामला हो गया। ऐसे ही है। और जब फिर आपने लिखना शुरू किया तो समाज में वो कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जिनको आप बहुत एक ताज़ा निगाह से देखना और उस पर रिएक्ट करना और अपनी तरह का लिखना आप चाहते थे? ऐसा है कि शुरू में आदमी अपनी तरह नहीं लिखता कोई भी, ये मैं अपने तजुर्बे से जानता हूँ। अमूमन एक अर्ज होती है, एक अंदर से एक प्रेरणा होती है कि आप कुछ लिखें। वो अलग अलग लोगों में अलग अलग ढंग से होती। मेरा बचपन बहुत अकेला बीता, यही वजह है कि किताबें मेरे लिए एक दोस्त थी, दुनिया को जानने का जरिया थी। बाकी तो दुनिया हम देखते ही थे, खेलते थे, कूदते थे दोस्तों में, लेकिन किताबों की दुनिया में जाकर एक दूसरी ही दुनिया में जैसे मैं चला जाता था। शायद उसका असर रहा होगा, क्योंकि जब मैं और मैं पढ़ रहा था कॉमर्स, उसमें मेरी बिल्कुल रुचि नहीं थी। पढ़ाई में अच्छा था तो नंबर अच्छे आते थे, तो घर वाले सोचते थे कि भाई ये उसमें करेगा, और मेरी बिल्कुल उसमें रुचि नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे लगा कि ये सब हमारी राह नहीं है। फिर अपना मुहावरा धीरे धीरे विकसित करना शुरू किया और फिर वो होता चला गया। उसी को आज भी कर रहे हैं कोशिश कि भाई अपना मुहावरा ऐसा अलग बन जाए जो नजर आए। जस्तुजू तो अब भी है। आपने कहा कि आपको लगा कि वो आपकी राह नहीं है, ये कब और क्यों लगा होगा कि ये आपकी राह नहीं है जो चली आ रही है? वो डेढ़ संग्रह या एक संग्रह लायक कविताएं जो मैंने नहीं छपाई हैं, वो आखिर कुछ सोच के नहीं छपाई होंगी। क्योंकि तब तक आदमी जब परिपक्व होता है और चीजों के करीब जाता है, और ज्यादातर जिंदगी के करीब जाता है, तो वो देखता है कि भाई जिंदगी का सच अपना है और जो आपने उधार लिया हुआ सच है वो बिल्कुल दीगर है। तो वो कहीं ना कहीं वो फैसला करना ही पड़ता है। और मैंने कोशिश ये की कि मैं फलां की तरह नहीं लिखूंगा। तो ऐसी बहुत सारी नेतियों को मिलकर, जैसे हमारे यहाँ कहावत है नेति नेति करते हुए आखिर आप आत्मा की एक परिकल्पना करें कि ये भी नहीं है ये भी नहीं है, उस तरह से मैंने एक अपनी राह बनाने की कोशिश की। मैं उसी पे आज तक चल रहा हूँ। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे जाने माने कवि, अनुवादक, नाटककार और ब्रॉडकास्टर नीलाभ के साथ। हमने पन्ना पलटा, उन्होंने नजर उठाकर मेरी तरफ बड़े गौर से देखा, उतने में ही घड़ी भी खट से बोली। तो मैं मुझे जो काटो खून नहीं, फिर आगे मैंने वो सब सुधारा। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हैं जाने माने कवि, नाटककार, अनुवादक और ब्रॉडकास्टर नीलाभ। नीलाभ जी, ब्रेक से पहले आपने कहा कि फिर दोस्तों के कहने पर आपने एमए कर लिया, और शायद दोस्तों के ही कहने पर आप बीबीसी चले गए, इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी ये है कि मैं प्रकाशन में था, घर का प्रकाशन था, उसमें मैं करता था। सोचा था नौकरी नहीं करूँगा, 12-13 साल हो गए थे। तो जो मैं कॉमर्स से भागा था, मैं उसी चक्कर में फंस गया था, मैनेजमेंट और पूरा प्रबंधन और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। तो मेरा जी बहुत उबता था, तो मैं लिखता था बाहर, तो लिखता था अमृत प्रभात में। उन्हीं दिनों ऐसा हुआ कि मंगलेश डबराल वगैरह सब लोग अमृत प्रभात आ गए, तो मैंने वहाँ भी कोशिश की, वहाँ मेरी दाल नहीं गली। तो एक दिन उसने एक फटा सा अखबार ला के दिखाया कि देखो इसमें अप्लाई कर दो, ये बीबीसी का मंगलेश जी ने। तो मैंने कहा कि भाई ये तो डेट निकल गई है। बोले कर दो, मैंने कर दिया।
लिख दिया कि भाई नहीं होगा तो ना ही सही, उन्होंने लॉटरी दाग उसका जवाब दे दिया और फिर वो सिलसिला चल निकला और पता भी नहीं चला कि मैं एक दिन हीथरो पे खड़ा था। अब मैंने कभी ब्रॉडकास्टिंग उस तरह से नहीं की थी, जहाँ वहाँ जहाँ कि मैं पीर बावर्ची भिश्ती खर सब हूँ, तो वो वहाँ जाके सब कुछ सीखना पड़ा। क्योंकि जिज्ञासा थी इसलिए सीखा, चार साल निभाया, जब लगा कि ये भी रिपीटेटिव हो रहा है, बहुत दोहराव हो रहा है, तो छोड़ दिया, वापस चले आए। देखिए ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म जिसे हम आज देखते हैं और खासतौर पर जो एक बाढ़ सी आई हुई है टेलीविजन से लेकर रेडियो तक, उसकी तुलना जब आप अपने बीबीसी के दिनों से करते हैं, क्योंकि आप कोई ट्रेंड ब्रॉडकास्टर तो थे नहीं और आप सीधा बीबीसी के उस बड़े संस्थान में पहुंच गए थे जिसकी तरफ लोग बड़ी हसरतों से देखा करते हैं, उस कार्यकाल या उस अनुभव की तुलना अगर हम आज के ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म से करें तो क्या आप पाते हैं? मैं समझता हूँ कि बाकी जो चीज़ें सहूलतें आ गई हैं वो तो सहूलतें अब बहुत ज़्यादा आ गई हैं हर लिहाज से, और जाहिर है कि उसका फ़ायदा भी हुआ है और किसी हद तक उसकी वजह से लोग थोड़ा अपने काम के प्रति गाफिल भी हुए हैं, वो उसको थोड़ा सोचते हैं कि अब कंटेंट को थोड़ा नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। ये अगर बीबीसी के उन दिनों की बात करें कि वहाँ पर आपके पहुँचने से पहले जो बड़े वेटरन ब्रॉडकास्टर्स थे, कुछ उनकी याद करते हुए उनके साथ हुए ऐसे तजुर्बे जो आपको भुलाए न भूलते? भाई देखिए वहाँ तीन चार तो बहुत पुराने थे, आले हसन जो गोल्डन वॉइस ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कहे जाते थे, जिनकी आवाज़ आप आज भी लाल किले में साउंड एंड लाइट प्रोग्राम में सुन सकते हैं, और एक थे हिमांशु कुमार भादुड़ी, जया भादुड़ी के चाचा, वो भी रेडियो से गए हुए थे, बहुत ही शीन काफ से दुरुस्त जुबान वो इस्तेमाल करते थे। फिर उसमें अपने रत्नाकर भारती थे, जिनकी शीन काफ तो जिनका शीन काफ तो उतना दुरुस्त नहीं था, पर जिनका फ्लेयर जो था उसने उनको 71 की बांग्लादेश की लड़ाई में एक स्टार बना दिया था। और ओमकारनाथ श्रीवास्तव थे जो यहीं से गए थे, कवि थे। ये चार लोग ऐसे हैं जिनकी बड़ी मतलब याद आती है। उसमें ओमकार ने तो एक हफ्ता हमारी मदद की, फिर कहा भाई देखो तैरना है तो खुद तैरो, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, अब जाओ जो बताना था बता दिया, अब करो। आले भाई ने मुझे अपने ही उसमें ले लिया, और चूंकि बाद में उनका प्रोग्राम मैंने किया सांस्कृतिक चर्चा, जाहिर है वो उनसे वो तवक्को तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये इन लोगों से मुझे काफ़ी सीखने को मिला। हिमांशु कुमार भादुड़ी का तो एक किस्सा ये है कि जब हम जाके बैठे तो वहाँ उसूल था कि जो आएगा उसको सीधे कुदा दो नदी में, तैरना जाने या ना जाने। अब हम लिख के ले गए एक तरफ और दूसरी तरफ, और साथ में एक घड़ी बड़ी सी पहने हुए थे जो खट खट करती थी। अब वो साहब हमने एक तरफ से पढ़ा, उसके बाद पॉज देकर हमने पन्ना पलटा, उन्होंने नज़र उठाकर मेरी तरफ बड़े गौर से देखा, उतने में ही घड़ी भी खट से बोली तो मुझे जो काटो खून नहीं, फिर आगे मैंने वो सब सुधारा, पर बहुत ही मतलब खुलूस और प्रेम के साथ। उन्होंने डांटा डपटा नहीं, बस वो नज़र ही काफ़ी थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, कागज़ की कोई कमी नहीं है, दोनों तरफ ना लिखो एक तरफ ही लिखो। ये था। आपने सांस्कृतिक चर्चा की बात की, और कौन से प्रोग्राम थे जो आप किया करते थे? भाई देखिए वहाँ आपको सब कुछ करना पड़ता था, और जो सबसे उसमें एक ये भी था कि नए आदमी की पहचान तब होती थी जब उसको आजकल मिले। आजकल एक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम और लाइव होता था, उसमें कोई इफ बट नहीं था जी। कोई ये नहीं था कि एडिटिंग पर जाके आप एडिट कर लेंगे, तो वो मुझे उन्होंने मौका दिया नए लोगों में सबसे पहले, तो जिसका थोड़ा सा मुझको एक वो भी था कि भाई तमगा एक मैं लगाए घूमता था, और प्रोग्राम करने में मुझे मज़ा आया। लगभग सभी किए, आपका पत्र मिला, कुछ नहीं किए ज्ञान विज्ञान वगैरह, खेल और खिलाड़ी किया बहुत, और कई बार तो बहुत से प्रोग्राम तो मुझे फटीक के तौर पे दिए गए, जिसमें हमारी आपकी पहली मुलाकात हुई है वो मुझे फटीक के तौर पे मिला था, बच्चों का जो प्रोग्राम कि ये बहुत बनता है, जरा इसको बच्चों का प्रोग्राम दो देखें अब क्या करता है, तो मैंने उसको अपने ढंग से किया। वही शर्त थी कविता वाली, कविता अपने ढंग से लिखूंगा, प्रोग्राम भी अपने ढंग से करूंगा। लेकिन बहुत आपने यादगार और शानदार प्रोग्राम किए, ये तो मैं खैर अब ये तो भाई सुनने वाले ही बताएंगे, मैं तो बहुत अदना सा आदमी हूँ। अब आप जब ये देखते हैं कि अपने शायद चार साल थे, लोग तो आज की तारीख में ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेश जाके बस जाना हो, वहीं पर करियर अपना आगे परसू किया जाए, इसको देखते हुए आपकी क्या कहें कि वापसी थी? एक तो मैं हिंदी में लिखता हूँ, माहौल सारा अंग्रेज़ी का था, यहाँ तक कि हमारा दोस्त अब्दुल्ला हुसैन जिसने उदास नस्लें जैसा नावल लिखा है, वो वहाँ जाकर सोचने लगा अंग्रेज़ी में लिखें,
और दूसरे मैं अपने घर वालों से जुड़ा हुआ था, तो मैंने एक अपने आगे लॉन्ग टर्म जो मैंने संभावनाएं देखी उसमें अपने देश लौटना ही मुझे ठीक लगा और मेरा वो फैसला गलत नहीं था। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद बातें जारी रखेंगे नीलाभ के साथ, जो कि जाने माने कवि, अनुवादक, नाटककार और ब्रॉडकास्टर हैं। ताना बाना खड्डी करघा, जीवन एक बुनाई हो रामा, झीना झीना चाहे बुन लो चाहे घनी चटाई हो रामा, रोजी रोटी प्यार मोहब्बत या फिर कठिन लड़ाई हो रामा, जो इन सब में चले बराबर उसकी रहे बड़ाई हो रामा। वाह क्या बात। स्वागत है एक बार फिर से, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं नीलाभ, जो कि जाने माने कवि, अनुवादक, ब्रॉडकास्टर और नाटककार हैं। नीलाभ जी, जब मैं ये चार फिक्रे कह रहा हूँ कि आप ये हैं, मुझे लगता है कि इससे भी बहुत कुछ ज़्यादा आप हैं। बहुत तरह के काम आपने ज़िंदगी में किए, जिनके कुछ कामों के बारे में हम जानते हैं और कुछ के बारे में नहीं जानते। तो जिनके बारे में हम नहीं जानते, वो हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि क्यों इतनी तरह के काम आप लेते हैं और उसे बड़ी कामयाबी से करते हैं। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। बुनियादी तौर पर तो मैं कवि हूँ और वही रहना चाहता हूँ, लेकिन साथ में कुछ रुचियाँ और भी हैं। मुझे संगीत में बहुत रुचि है, जैज़ में, क्लासिकल संगीत भी मैंने मंगलेश की ही वजह से काफ़ी उसमें मेरी रुचि बढ़ी, और अब मैं हाल के दिनों में तो मैं दक्षिण भारतीय क्लासिकल संगीत में मेरी इतनी रुचि बढ़ गई है कि मैं सोचता हूँ मैं तमिल सीख लूँ। अब कह नहीं सकते, ऐसे ऐसे मौके आते रहे, जैसे कि कहा कि ये किंग लियर है, इसको अडेप्ट कर दो, रूपांतर कर दो, बिल्कुल हिंदुस्तानी बना दो। अच्छा, मुझे पसंद आया, एक फैमिली ड्रामा है, एक राजा है, अपनी बेटियों को पावर देना भी चाहता है और रखना भी चाहता है, कि हमेशा हमारे फैमिली जॉइंट फैमिली में ये प्रॉब्लम रहती है। वो किया, उसमें मेरी कामयाबी जितनी थी उतनी ही अमाल अल्लाना और मनोहर सिंह जैसे लोगों की थी, जिन्होंने उसको पेश किया प्रगति मैदान में। बड़े लोग देखने आए, हुसैन आए, अलकाजी साहब आए, सबने मतलब पीठ थपथपाई, नसीर आए, दोस्त थे। किस नाम से किया? पगला राजा। पगला राजा, पगला राजा। फिर ब्रेक्ट का इसी तरह से किया, हिम्मत माई, उसमें मनोहर सिंह औरत की भूमिका में उतरे। फिर एक आया कि भाई डांस ड्रामा करो, तो सोनल मानसिंह। अब सोनल मानसिंह के साथ काम करना आसान नहीं है, ये करीब करीब सभी लोग जो उनके साथ काम कर चुके हैं जानते हैं, पर वो द्रौपदी मैंने उनके लिए लिखा और वो बहुत कामयाब रहा। तो जाहिर है कि सिर्फ कामयाबी पे ध्यान नहीं था, ये भी था कि कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है। सीरियल बनाया, फिल्म लिखी, टेलीविजन धारावाहिक पहले लिखा, वॉइसिंग की, फिर खुद बनाया। तो मन करता था, इसलिए कई कई दिशाओं में क्रिएटिव काम करने की इच्छा होती थी, इसलिए किया। और कुछ भाई रोजी रोटी के लिए मैं बजाए कुछ और घटिया सा काम करने के, मैं क्यों ना इन शब्दों के माध्यम से ही कुछ क्रिएटिव करूं जिससे भाई मेरा घर भी चले। ये जानना दिलचस्प होगा, एक कवि के नाते, जैसा कि आपने खुद कहा कि आप मूलतः कवि ही होना चाहते हैं या क्लेम करना चाहते हैं, एक कवि के नाते ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव हैं, कभी जब ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा निराशा का दौर होता है, तो वो कौन सा फिलोसोफिकल वो डोर है जो आपको बचाती है? 8 पंक्तियाँ हैं। ताना बाना खड्डी करघा, जीवन एक बुनाई हो रामा, झीना झीना चाहे बुन लो चाहे घनी चटाई हो रामा, रोजी रोटी प्यार मोहब्बत या फिर कठिन लड़ाई हो रामा, जो इन सब में चले बराबर उसकी रहे बड़ाई हो रामा। वाह क्या बात है। तो यही एक जिंदगी की फिलॉसफी लेके चल रहा हूँ, बाकी तो कविताओं में है, लोग देखेंगे पढ़ेंगे। और जब आप हिंदी कविता की मौजूदा दशा और उसमें ख़ास तौर पर आलोचकों की भूमिका पर नज़र डालते हैं, तो कैसे आप रिएक्ट करते हैं? हिंदी कविता की आलोचना आदि से अंत तक, शुरू से अब तक, सबसे अच्छी कवियों ने ही की है। निराला हो, प्रसाद हो, पंत हो, महादेवी हो, मुक्तिबोध हो, अज्ञेय हो, आगे के लोग हों, उन्होंने ही की है, आलोचकों ने नहीं की। आलोचक तो अपनी चमकाते रहे और सनदें बांटते रहे। मतलब आप, हिंदी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ का सबसे बड़ा लेखक यहाँ के सबसे बड़े आलोचक से हीन है। आप रामचंद्र शुक्ल से बड़ा कोई लेखक नहीं बताएंगे, लेकिन मेरे निकट प्रेमचंद रामचंद्र शुक्ल से कोसों बड़े
बहुत बड़े आदमी हैं, निराला भी। तो ये इस भाषा का दुर्भाग्य है और इसलिए इसकी परेशानी है, साहित्य हाशिए पे चला गया है, बाकी जोड़ तोड़ जुगाड़ ये वो सब चलता रहता है, और असली चीज़ है कि अपनी जनता से जुड़ना वो इधर बीच कम हुआ है, इसलिए हाशिए पे गया है। अगर आप जनता से जुड़ेंगे, जैसे कि निराला और दूसरे लोग जुड़े, मुक्तिबोध जुड़े, नागार्जुन जुड़े, जो हम जिनकी तरफ हम ऐसे देखते हैं, त्रिलोचन जुड़े, तो फिर आपको लगेगा कि अरे भाई हम लोग कौन सी राह पे चले जा रहे हैं। तो पहले की दुनिया में और आज की दुनिया में ये थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा चमक है, ज़्यादा पैसा है, लेकिन ये तो बाई प्रोडक्ट है। यश और धन तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो असली चीज़ है नहीं। असल चीज़ तो जन जन को वाणी देना है, वो क्यों कम होता जा रहा है, इस पर ज़्यादा चिंता की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। ये एक स्थिति है आज की। जब आप नागार्जुन की, त्रिलोचन की बात करते हैं और जनता से जुड़ने की बात करते हैं, पूरा जो एक अंडरवर्ल्ड है साहित्य का, जिसे कहा जाता है कि पल्प फिक्शन या लुगदी साहित्य, ये भी शायद आपने पाया है कि त्रिलोचन या नागार्जुन, इन्होंने कभी भी प्यारेलाल आवारा या फिर गोपाल राम गहमरी इस तरह के लोगों को उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से हिंदी में मेनस्ट्रीम जो स्थापित लोग हैं वो देखते हैं। ये आंदोलन मेरे ख्याल से कुछ अज्ञे के समय में विशाल भारत में बनारसी दास चतुर्वेदी ने जो घासलेटी साहित्य करके चलाया था, इसमें थोड़ा सा आर्य समाजी प्रभाव भी रहा होगा, एक शुद्धतावादी दृष्टिकोण, ये उसका अब चला आ रहा है और अभी तक जड़ जमाए हुए हैं। अन्यथा आप यूँ सोचिए कि वर्दी वाला गुंडा जो एक उपन्यास है, या इस तरह के कई कोई भी उपन्यास आप ले लीजिए, उनमें हमारे समाज के उस तबके का जिक्र होता है, भले उतनी कामयाबी के साथ ना हो और उस हल के साथ ना हो, जो दरअसल हमें कमरे से बाहर पैर रखते ही जिससे हम रूबरू होते हैं। क्या कारण है कि हिंदी का जो कथा साहित्य है वो उस पूरी दुनिया को, यानी वो सिर्फ साहित्य का अंडरवर्ल्ड नहीं है, वो हमारे समाज का भी अंडरवर्ल्ड है, उसको चित्रित क्यों नहीं करता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कब तक हम मध्यवर्गीय स्त्री पुरुष संबंधों और दाम्पत्य के संबंधों और इन्हीं पर टिके रहेंगे, भाई कब तक हम बाहर निकलकर जो कुछ हो रहा है उसको चित्रित करेंगे, तो ये एक सोचने वाली बात ज़रूर है। और आखिर में नीलाब जी, हम चाहेंगे कि आप अपनी ही कोई कविता या आपके कोई प्रिय कवि की कोई कविता की लाइनें हों, उसके साथ हम इस बातचीत को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। देखिए, मैं अपनी कविता तो आपको एक सुना चुका हूँ, और मैं आपको एक ऐसी कविता सुनाना चाहता हूँ या सुनाता हूँ जो एक तरीके से है तो कविता के बारे में, पर दरअसल उसको आप जिंदगी पर, जिंदगी के किसी भी पहलू पर लागू कर सकते हैं। एक लातिनी कवि हैं, निकानोर पार्रा, उनकी एक कविता है युवा कवि। चाहे जैसा लिखो, जो भी शैली तुम्हें पसंद हो अपना लो, बहुत ज़्यादा खून बह चुका है पुल के नीचे से ये मानते रहने के लिए कि सिर्फ एक ही रास्ता सही है। कविता में हर बात की इजाज़त है, शर्त बस यही है यकीनन कि तुम्हें कोरे पन्ने को बेहतर बनाना है। अब इसको आप ज़िंदगी पर भी लागू कर लीजिए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया नीलाब जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। आपका भी। गुफ्तगू में ये थे नीलाब, जो के जाने माने कवि, अनुवादक, नाटककार और ब्रॉडकास्टर हैं। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।